दोनों ओमनेट प्लस प्लस की वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये जो है HTML की फॉर्म में वेबसाइट पे लिंक अवेलेबल है। अगर आप इसका मैनुअल डाउनलोड करना चाहते हैं यू कैन डू दैट। तो इस पे मैंने काम किया था, तो उसमें ये वाले पहला लिंक जो है ट्यूटोरियल का मैंने फॉलो किया था। इसमें सिंपल टिकटॉक की एग्जाम्पल्स लेके दो नेटवर्क दो नोड का नेटवर्क कैसे बनाना है, मैसेज सेंडिंग एंड रिसीविंग कैसे करनी है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर सिखाई जाती हैं। इसकी अपनी एक नेस सी मेरा ख्याल है लैंग्वेज है, तो अच्छा इसकी अपनी लैंग्वेज है लेकिन सी प्लस प्लस आप या सी सी इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम अभी देखेंगे। ये की बिल्कुल उसी तरह का है, लेकिन ये इसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में NS2 या 3 बेहतर है क्योंकि मेच्योर है, उसमें काफ़ी ज़्यादा काम हुआ पड़ा है। लेकिन जी वो भी बड़ा अच्छा है, लेकिन अभी जो है ये इसको भी काफ़ी टाइम हो गया और इसके काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट अवेलेबल है। अगर आप एनर्जी मैनेजमेंट इन वायरलेस सेंसर नेटवर्क में काम करना चाहते हो उसके लिए मॉड्यूल अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप व्हीकुलर नेटवर्क पे काम करना चाहते हो उस क्या एड ऑन भी अवेलेबल है ओमनेट के अंदर। ठीक है, अगर आप 3G नेटवर्क्स पे काम करना चाहते हो उसके भी प्लगइन्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्राम करना जो है वो NS3 की निस्बत काफ़ी आसान है। अभी इसकी जो वर्जन अवेलेबल है आई थिंक 5 ओमनेट 5 समथिंग है। ठीक है, तो ये लेटेस्ट सोर्स अवेलेबल है जो मैनुअल भी शेयर किया गया आपसे इस स्लाइड पे। ये भी लेटेस्ट मैनुअल है। ठीक है, ओके, ये जो है मैंने इसके अलावा फाइल्स के अंदर भी इसको अपलोड कर दिया। ठीक है, जो MS टीम है इसके फाइल सेक्शन के अंदर। ओके, तो ये देखिए टिकटॉक की एग्जांपल है, इसका जो है टिकटॉक का ट्यूटोरियल भी अवेलेबल है। तो लेट मी शो यू, इसका आपको है प्रैक्टिकल डिमोन्स्ट्रेशन तो लैब में करवाया जाएगा, लेकिन मैं आपको कहूँगा क्योंकि ये भी आपके पास टाइम है तो थोड़े से दो दो तीन घंटे कम से कम इस पर स्पेंड कर लें। ठीक है, तो आपको इसके यानी आपको फेमिलियर लगेगी इन्वायरमेंट इसकी। ठीक है, सो लेट मी शो यू टिकटॉक ट्यूटोरियल कि आप देखें कि आपको लगेगा कि दिस इज सो गुड। अच्छा, तो ये वही वेबसाइट है। ठीक है, इसके ये देखिए इसमें टेबल ऑफ कंटेंट है। अच्छा, ये साइट पे जो है ना इसकी मेन्यू अवेलेबल है जिसमें आप रनिंग द सिमुलेशन टू नोड टिकटॉक। ठीक है, और इसी टिकटॉक को एग्जांपल को शुरू करते हैं फिर इसको इन्हांस करते हैं। उसके बाद देखें कि सारा कुछ इसके अंदर दिया गया है कि विजुअलाइजेशन ऑफ रिजल्ट। ठीक है, अच्छा विजुअलाइजेशन ऑफ रिजल्ट से क्या मतलब हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, और चार्ट्स और नोड्स सेम या है मैसेज। मैप में तो ग्राफ जैसे होते हैं बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्लास में नोड। भी बिल्कुल। तो ग्राफ्स और आपने क्या कहा? हाँ मतलब सेम है। तो ग्राफ और चार्ट्स जो है इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा जो नोड्स के बिटवीन कम्युनिकेशन है विजुअली वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके, सो ये वो देखें कि अभी जो हम लोग देख रहे हैं टिकटॉक की एग्जांपल है ये, इसमें शुरू से लेकर सारा कुछ बताया गया है कि कैसे करना है, बड़ा सिंपल ट्यूटोरियल है। तो ये NED जो फाइल है ये इसके अंदर जो है वो प्रोग्रामिंग की जाती है। ठीक है, नेटवर्क डिस्क्रिप्टिव फाइल, तो इसके अंदर आप प्रोग्रामिंग करते हो जैसा कि आपने .NED बनाया। ठीक है, यूजिंग NED लैंग्वेज। तो जैसा सी के अंदर दो फाइल्स होती है ना, हेडर फाइल होती है एक सोर्स फाइल होती है। ठीक है, तो .NED फाइल के साथ आपके पास दो और फाइल अवेलेबल होंगी। ठीक है, .C की एक्सटेंशन के साथ और .H की एक्सटेंशन के साथ। ठीक है, तो ये दीज आर द फाइल्स यू हैव टू प्ले विथ। तो आप देखिए ये ये टिकटॉक का फाइल है,
आप देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, ठीक है, और उसको आप फर्दर जो है ना प्रोग्राम कर सकते हैं मॉड्यूल्स को। अच्छा इसको जो है आप फॉलो करें। अभी तो मैं आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दूंगा कि कैसे आप देखिए, ये भी एक फाइल है, ठीक है, डॉट INI की फाइल है जिसे इनिशियलाइजेशन फाइल करती है। तो दिस इज ऑल। तो आप इस सिर्फ एक ट्यूटोरियल को टिकटॉक की अगर कर लें ना वीकेंड के ऊपर, तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करोगे आफ्टर डूइंग दैट, ठीक है। आप फिर ये नहीं कह सकते यू आर नॉट फेमिलियर विद ओमनेट क्लस्टर, ठीक है। जहाँ पे भी बात होगी यू कैन से दैट आई हैव दिस स्किल। तो जहाँ पे आपकी बाकी प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं तो आप जो है ये भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ओके लेट्स गेट बैक टू दैट। तो ये शॉर्ट सा लेक्चर है जो बेस करता है, इंट्रोड्यूस करवा रहा है मंडे वाली लैब को, ठीक है। अगेन तो आप देखेंगे वही सेम इन्वायरमेंट है। आप पहले इंस्टॉल करेंगे ओमनेट प्लस प्लस के लेटेस्ट वर्जन। इसके इंस्टॉलेशन के लिए यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे ये जो मैसेजिंग है ना ये यहाँ पे दिखाई जा रही है, ठीक है, विजुअली दिस इज पॉसिबल। ओके तो अगर आप इनके मैसेजेस का सीक्वेंस देखना चाहते हो, कौन सी नोड से मैसेज आ रहा है, कौन सी नोड को मैसेज जा रहा है, ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं ना इसको गेट्स कहते हैं, एक पोर्ट कहते हैं, जहाँ से मैसेज आप सेंड अलाउ करते हैं और फिर दूसरे को दूसरी पोर्ट पे जो रिसीविंग एंड है वहाँ पे भी इनेबल करते हैं, तो फिर नोड ए से बी को मैसेज जा सकता है, ठीक है, और सेम अदरवाइज। तो आप देखिए यहाँ पे डिले मेंशन है और ये इस तरह से आप विजुअली इसको देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये ओमनेट का सिमुलेशन कर्नल है, किस तरह से इवेंट्स को जो है ना वो स्केड्यूल किया जाता है, ठीक है। तो ये क्यू है ऑफ एन साइज, तो क्यू के अंदर जो है इवेंट वन यहाँ पे पड़ा हुआ है, इवेंट टू है और इस तरह से फोर है, ठीक है। तो अब जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे थे कि ये एक जो है मैसेज यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, फिर यहाँ से फिर ये इस के थ्रू जो है यहाँ पे मैसेज जा रहा है और सो ऑन, ठीक है। तो इसी तरह से आप ये देख सकते हैं ये टाइमर यहाँ पे डिफाइन है, ठीक है। ओके खत्म हो जाते हैं, देन टर्मिनेशन कंडीशन इज रीच्ड ड्यू द टर्मिनेट सिमुलेशन। अच्छा एक इनिशियलाइजेशन होती है, आप कोई भी प्रोग्राम बनाओगे ना उसकी इनिशियलाइजेशन कंडीशन एक होती है। सिमिलरली जब सिमुलेशन खत्म हो जाती है तो वो किसी टर्मिनेशन कंडीशन के बेस पर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्यों इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि आपको पेपर के अंदर बताना होता है कि हमारी टर्मिनेशन कंडीशन ये है, लेट्स से कि 1000 इवेंट्स जब एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है, या इस तरह हो कि हमारे पास सर्टन स्टेडी स्टेट रीच हो जाए तो सिमुलेशन टर्मिनेट होता है। इसके अलावा टर्मिनेशन कंडीशन क्या हो सकती है, टर्मिनेशन कंडीशन काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं। जैसा कि आप कहते हो कि आप नेटवर्क के अंदर जो है 1 मिलियन इवेंट्स जो आप थ्रो करते हो, फिर आप वो देखते हो कि वो उस पर जो भी आपने ऑपरेशन कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद जो है वो टर्मिनेशन कंडीशन फुलफिल हो जाती है और आपका सिमुलेशन जो है स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इस तरह आप क्या कहते हो कि नेटवर्क के अंदर जो है ना वो अटैक्स आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि उनका पहली चार्ट ऐसे होता है इस तरह से जा रहे होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो स्टेडी स्टेट आते हैं, ठीक है। लेट्स से कि हमने रखा था कंडीशन के 30% जो रिपोर्ट्स हैं दीज आर फ्रॉम द एडवर्सरी, यानी वो अटैक हैं, ठीक है, तो पहले क्या होगा, हो सकता है कि वो 70% हो, फिर वो नीचे आता 30% हो, तो ये जो मोशन है ना ये स्टेडी नहीं है। अभी जब ये स्टडी हो जाएगी ना फिर हम कहते हैं टर्मिनेशन कंडीशन इज बी, या क्या करते हैं आप कहते हैं सिमिलरली जो है ना हमने 1000 इटरेशन कर ली, ठीक है, पहली इटरेशन में एक जवाब आता है, ठीक है, एक आंसर आता है, रिजल्ट आता है, कोई नंबर, आप कहते हैं अभी ये रिलायबल नहीं है, ये एक दफ़ा रन किया है तो मैं दूसरी दफ़ा भी करता हूँ, इस तरह लेट्स से कि आप 100 टाइम्स करते हैं, ठीक है, तो ये दिस इज ऑल्सो टर्मिनेशन कंडीशन, फिर उनका एवरेज, लेकिन आप कहते हैं हाँ दिस इज मोर एक्सेप्टेबल आंसर।
So if that condition is reached, user terminates the program. Every simulation comprises of three files. Okay, network topology file. So network topology file में क्या होता होगा? The idea. ये सिर्फ टोपोलॉजी की बात कर रही है, ठीक है? .ned फाइल, कनेक्शन नोड्स, बिल्कुल ठीक है। तो उसके अंदर कितनी नोड्स हैं नेटवर्क के अंदर, वो डिफाइन होगा, और किन किन नोड्स के अंदर कनेक्शन क्या होंगे, हमारी टोपोलॉजी होगी ओवरऑल, ठीक है? गुड। सो एक्चुअली कनेक्टेड नोड्स .ned फाइल, ठीक है, उसकी एक्सटेंशन होती है, और सोर्स फाइल क्या होती है, द फंक्शनैलिटी बिहाइंड ईच नोड, ठीक है? जो सोर्स फाइल है जो डॉट सी के साथ होती है, उसके अंदर आप अपनी सी की प्रोग्रामिंग स्किल्स यूज कर सकते हैं, ठीक है? हम इसकी एग्जांपल देखेंगे, लेकिन जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं यू शुड इन योर ब्रेन की, कोई भी आपसे पूछे ओमनेट की उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं, तो आप उनको बता सकते हो कि इट कंप्राइज ऑफ थ्री मेन फाइल्स, ठीक है? सोर्स फाइल दूसरी है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, मेन फंक्शनैलिटी उस नोड की होती है। टोपोलॉजी में आपने नंबर ऑफ नोड्स डिफाइन कर दिए, कनेक्शन डिफाइन कर दिए, अब कौन सी नोड जो है क्या करेगी और किस से कम्युनिकेट करेगी, तो वो सोर्स फाइल के अंदर होगा, ठीक है? और कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ठीक है, इन्फॉर्म ओमनेट कर्नल विच नेटवर्क टू सिमुलेट, ठीक है, और ये ओमनेट डॉट आई एन आई के फॉर्म में होती है, और ऑफकोर्स एक डॉट हेडर फाइल भी होती है, लेकिन बेसिकली देर आर थ्री कंपोनेंट्स, ठीक है? अगर आप जो लोग अभी गौर से सुन रहे हैं, तो मैं उनसे अगर पूछूंगा कि व्हाट आर द थ्री बेसिक मेन फाइल्स और फंडामेंटल फाइल्स, ठीक है, तो आप उनमें ये तीनों फाइल बता सकते हैं, ठीक है? एग्जैक्टली याद नहीं करना, जस्ट हैव अ कॉन्सेप्ट इन योर माइंड, ठीक है? तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप कोई भी आंसर किसी चीज़ का ब्लैंक नहीं छोड़ोगे, ठीक है? देन यू शुड बी रिवार्डेड, ये आप लोगों ने अपनी जो है इंट्यूशन यूज करते हुए एक बेस्ट आंसर देने की कोशिश की है, ठीक है? असल में मकसद भी यही होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि आप रट्टा लगाओ, ठीक है? टू नोड सिमुलेशन, ठीक है, इसलिए हम बात करते हैं कि नोड वन, अब हमारा जो है हम करना क्या चाहते हैं, पर्पज यहाँ पे बताया गया, ठीक है? नोड वन क्रिएट्स अ पैकेट, सेंड इट टू द सेकेंड नोड, सेकेंड नोड विल सेंड द पैकेट बैक टू द फर्स्ट नोड, ठीक है, इसको टिक टॉक कहते हैं, ठीक है? देखिए ये नोड वन है, ये टू है, जैसे पंडोलम होता है या घड़ी होती है, टिक टॉक इस तरह से, ठीक है? पैकेट विल मूव बैक एंड फोर्थ अंटिल वी स्टार्ट द सिमुलेशन। इसमें सिमुलेशन मतलब कि स्टॉपिंग या टर्मिनेशन कंडीशन क्या हो सकती है? कोई, हाँ नहीं, वो हो सकता है, लेकिन कब खत्म हो ना, वो ऐसे टू एंड फ्रो मैसेजेस करते जा रहे हैं, ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन वो रिसीव वो किस कंडीशन पे रिसीव करना बंद करेगा? जी मेरे पास 10 दफा आ गया सर, जी जी हाँ, टाइम हो सकता है, आयशा कह रही है टाइम एक सेट कर सकते हैं कि इतने टाइम तक जितने भी मैसेजेस सेंडर रिसीव हो जाए, या काउंटर, तुम्हें बता आपका नाम अफान, ठीक है, अफान कह रहे हैं कि आशा ने कहा है टाइमर सेट कर दें, और अफान ने कहा है कि काउंटर रख दें, तो दोनों आंसर ठीक है। तो एज ए डिजाइनर दिस इज अप टू यू कि आप कौन सी टर्मिनेशन कंडीशन रखते हैं, ठीक है, ओके। इसी तरह आपके जो पेपर्स होंगे ना, इनमें भी जब सिमुलेशन एंड होगी ना, उसमें कोई ना कोई टर्मिनेशन कंडीशन होती है, ठीक है, याद रखें। जब आप कोड रन करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कब कोड है वो टर्मिनेट होगा। अच्छा, ये एक तरीका है कि कैसे एक न्यू प्रोजेक्ट बनाया जाता है, जब अभी सिमुलेटर इंस्टॉल करेंगे तो फिर ये स्टेप फॉलो करेंगे, ठीक है? पहले फाइल न्यू प्रोजेक्ट, आपके पास ये विंडो आएगी, न्यू प्रोजेक्ट का जो है आप नाम रखेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, और जब नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद क्या आएगा, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, तो उसके बाद सेलेक्ट द टेम्पलेट, ठीक है, एम्प्टी टेम्पलेट होना है या कोई एग्जिस्टिंग टेम्पलेट आपने रखना है, ठीक है, या कोई एग्जांपल आपने रन करना है, तो ये डिपेंड करता है आप पे। अच्छा, तो क्योंकि
टिकटॉक को जो ट्यूटोरियल है उसमें कोड अवेलेबल है, जस्ट कॉपी पेस्ट करें। तो इस तरह की तीन फाइल्स जो हैं वो क्रिएट करें। ओके तो जो ओमनेट है इसके अंदर टू नोड जो हमने सिमुलेशन क्रिएट करनी है उसके अंदर ये कैसे काम करती है, ठीक है। तो ये पहले भी आपको बताया गया, ठीक है, ये सेम चलाई जाए, ठीक है, कि आपने क्या करना है कि क्रिएट फर्स्ट अ टोपोलॉजी फाइल, ठीक है, वो टेक्स्ट फाइल होती है और आप नोट पैड के अंदर उसको क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन सेव एज डॉट एन ई टी। डिफाइन नोड कनेक्टिविटी, डिफाइन चैनल प्रॉपर्टीज बिटवीन नोड्स दैट इज डिले, ठीक है। अच्छा, डिले क्यों रखते हैं, कि ये नहीं है कि नोड ए ने बी को मैसेज सेंड कर दिया और फौरन उसने रिप्लाई बैक कर दिया, तो डिले कुछ देगा, ठीक है, कि वेट फॉर द मैसेज फॉर वन सेकेंड। डिले का मकसद ये भी होता है कि फिर वो उसके बाद समझेगा कि वो अब कोई मैसेज नहीं आ रहा। सेकेंड, इम्प्लीमेंट द फंक्शनैलिटी ऑफ सी प्लस प्लस फाइल, इम्प्लीमेंट वर्चुअल फंक्शन, ठीक है। तो थर्ड है configuration file dot .ini network to execute, okay। topology file का जो है ना basic बहुत fundamental structure ये होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, हम gates define करते हैं कि एक node दूसरी node से किस तरह बात करेगी, ठीक है, किस port के थ्रू बात करेगी। तो आप देखेंगे दो gate define किए गए हैं, एक का नाम gate in रखा गया है, दूसरे का out। तो ये दोनों nodes के लिए, ठीक है, सिर्फ एक के लिए नहीं है। एक जनरल स्ट्रक्चर है जो कि हर नोड फॉलो करेगी, और ये नेटवर्क फर्दर जो है इसके अंदर क्या सब मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि दो नोड्स हैं। हमने ये जो टोपोलॉजी डिफाइन की है ये दो नोड्स की डिफाइन की है, ठीक है। ये ए जो है ये एक नोड है, टाइप नोड है, और बी भी जो है एक टाइप नोड है, स्ट्रक्चर, ठीक है। कनेक्शन क्या है, ये कनेक्शन दिए गए हैं और ये मैसेजेस का बताया गया है कि जिसमें सेंड मैसेज आफ्टर डिले ऑफ 100 मिलीसेकंड टू नोड बी, ठीक है। सिमिलरली बी कैन सेंड आउट आफ्टर वेटिंग 100 मिलीसेकंड मैसेज टू डी। सो आज क्या है, ये टू वे कम्युनिकेशन पॉसिबल हो गई है, ठीक है। ओके, तो अब जो फंक्शनैलिटी की फाइल है, ठीक है, ये तो टोपोलॉजी हमारी होगी ना, ठीक है। अब जो फंक्शनैलिटी की फाइल है उसके अंदर हम फर्दर डिटेल बताएंगे कि असल में इन्होंने इनका जो है फंक्शन क्या है नोड्स का, ठीक है। अच्छा, सो नोड डॉट एच ये हेडर फाइल है, इसके अंदर ये वो उसके अंदर होती है, और इंक्लूड ओमनेट डॉट हेडर, ठीक है। क्लास नोड पब्लिक सी सिंपल मॉड्यूल, ठीक है, ये सिमुलेटर का नाम है, ठीक है, क्लास का नाम है। वर्चुअल वाइड इनिशियलाइज ओवर राइट एंड वर्चुअल हैंड मैसेज सी मैसेज फॉर मैसेज ओवर राइट, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी फंक्शनैलिटी है। इसी तरह नोड डॉट सी सी जो है इसके अंदर ये फंक्शनैलिटी होगी, ठीक है। अगर आप आज या कल घर जाके कर लोगे वीकेंड पे तो आपको बड़ी आसानी होगी, मेरे ख्याल आप 10 मिनट के अंदर वो लैब कर लोगे हमने से रिलेटेड। सो नोड है इनिशियलाइज कैसे होगी, इफ स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ ए एंड देन गेट नेम इज इक्वल टू जीरो, देन ये मैसेजिंग प्रोटोकॉल है ना, सी मैसेज या मैसेजिंग वे है, तो मैसेज क्या सेंड किया जाएगा, एम एस जी, ठीक है। तो इसको कहाँ पे सेंड किया जाएगा, आउटपुट पे, उस नोड पे, ए है या बी है दोनों के लिए। ओके, हाउ टू हैंडल द मैसेज, ठीक है। तो जब किसी मोड को नोड को मैसेज मिलेगा तो वो मैसेज को जो है वो अपनी पोर्ट से दोबारा वापस देना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर क्या है कि नेटवर्क टू नोड नेटवर्क, ठीक है, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है जो कि इस फाइल के अंदर होती है। अब जो है टिकटॉक से आगे हम आ जाते हैं सी रिंग टोपोलॉजी एक सिमुलेशन पे। सो रिंग्स आर कनेक्टेड इन ए रिंग, नोड्स आर कनेक्टेड इन ए रिंग, फर्स्ट नोड विल सेंड द पैकेट टू इट्स नेबर नोड, सेकेंड नोड विल सेंड द पैकेट बैक टू द फर्स्ट नोड,
that it will move back and forth until we stop the simulation. Okay. तो फिर उसी तरह की फाइल्स हैं, ठीक है, ये जो है नेटवर्क फाइल है डॉट एनी डी, इसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है और इसमें हम क्या परफॉर्म करना चाहते हैं, कौन सी नोड किससे कनेक्टेड है। अब देखिए कि ए बी से और बी सी से और सी ए से। अच्छा, ये हमने ऐसा क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? मैं क्या यहाँ पे बी कर सकता था? अगर बी कर दूँ यहाँ पे तो क्या फर्क पड़ेगा टोपोलॉजी में? एग्जैक्टली साइकोलॉजी का, बिल्कुल। तो उससे क्या होगा, हम क्योंकि रिंग टोपोलॉजी बनाना चाहते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे ए से मैं से बी पे जा रहा है, बी से सी और सी से बैक टू ए, इस तरह से एक रिंग टोपोलॉजी बन गई है, ठीक है। तो इसलिए इसको टोपोलॉजी फाइल कहते हैं। इस तरह से आप कोई सी भी टोपोलॉजी बना सकते हो, ठीक है। तो क्या इस टोपोलॉजी के अंदर पॉसिबल मैसेज मैसेज ए जो है सी को डायरेक्टली सेंड करें? हो सकता है, हाँ, ठीक है, समझ रहे हैं ना, कि वो अगर ए से सी पे जा सकता है तो सी से ए भी सी जा सकता है, ठीक है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन हम देखते हैं क्योंकि एक नोड मैसेज सेंड कर सकती है डी को, तो वो वापस किस को सेंड कर सकती है, ठीक है। तो ये इस तरह नहीं है कि रिंग की फॉर्म में मैसेज आ रहा है, मैसेज टू एंड फोर, ठीक है। देखिए फर्स्ट नोड सेंड द पैकेट टू इट्स नेबर नोड, ठीक है, एंड द सेकंड नोड विल सेंड द पैकेट बैक टू द फर्स्ट नोड, ठीक है। अगर ये हम ये हमने ये कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन ना की होती फिर आप ठीक कह रहे हैं, फिर हमें वो उस तरह से ऐड करना पड़ता, ठीक है, कुछ चेंजेस करने पड़ते उसके ये जो इस फाइल के अंदर। सो ये चीज़ जो है हमारे पास फाइल, इसके अंदर क्या किया जा रहा है कि ए फाइल, ठीक है, नोड कनेक्शंस क्या है, कि ये इस तरह से कनेक्शन हमारे हैं तीन, ठीक है, कनेक्शन है ए है टू बी एंड ए है टू बी इन, तो ये इस तरह से ना रिंग की फॉर्म में मैसेज इस तरह से कम्युनिकेट कर दिए, ये समझ लिया। अच्छा, तो ये कनेक्शन डिफाइन किए जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो आप तो यूजर डिफाइन जो है वो नंबर ऑफ नोड्स डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, तो उसकी बेस पे जो है आप रिंग टोपोलॉजी बना सकते हैं। डिफाइन पैकेट स्ट्रक्चर, ठीक है, आप मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो अब मैसेज का जो है एक फॉर्मेट होता है, ठीक है, तो वो यहाँ पे डिफाइन किया जाता है डॉट एम एस जी के एक्सटेंशन के साथ, ठीक है, फाइल के फॉर्मेट के साथ। तो कंपाइल ओमनेट जनरेट सोर्स फाइल एंड द हेडर फाइल, ठीक है, तो पैकेट अंडरस्कोर एम डॉट हेडर और पैकेट अंडरस्कोर एम डॉट सी पी, ये इसको जब हम रन करेंगे तो इससे दो फाइल जनरेट होंगी। अच्छा, वी हैव टू इंक्लूड द हेडर फाइल दैट इज पैक अंडरस्कोर डॉट एम डॉट एच इन द प्रोग्राम, ठीक है, तो हम प्रोग्राम करेंगे क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास पैक एंड पैक स्टोर, ये इसका एक पैक ऑब्जेक्ट का नाम ठीक है, और एक हम न्यू ऑब्जेक्ट जनरेट कर रहे हैं, सेंड द पैकेट टू न्यू नोड यूजिंग सेंड, ठीक है, फिर ये सेंड पैकेट डॉट आउट से, ठीक है, हमने गेट्स डिफाइन किए हैं कम्युनिकेशन के लिए। ऑन रिसीविंग यूज फॉलोइंग लाइंस वाइट, इससे हम करेंगे तो पैकेट रिसीव करने के लिए हम लोग शुरू करते हैं, और टी टी एल भी जो है उसका टाइम टू लीव जो है वो भी कैलकुलेट किया जाता है।
डायग्रामिंग को डिफाइन करते हैं। अच्छा तो हमारे पास बेसिकली क्या क्या फाइल्स हैं हमारे पास .net, जिसमें हमने देखा है कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है omnet.ini, उसके अंदर आप TTL डिफाइन किया हुआ है और सोर्स फाइल जो है उसके अंदर हम उसकी फंक्शनैलिटी बताते हैं फाइल के। ठीक है, खैर ये थोड़ा सा ट्यूटोरियल था और टास्क जनरेटर। ठीक है, आप स्केड्यूलिंग के आपने कुछ प्रोग्रामिंग करनी होती है। ठीक है, तो अगर एक क्यू है, ठीक है, उसको भी स्केड्यूल करना पड़ता है कि जी किस उस क्यू के अंदर किस जॉब को पहले सर्व करना है, किस ऑर्डर में करना है, तो वो हम लोग स्केड्यूल से डिफाइन करते हैं। ठीक है, इंप्लीमेंट डिलेज, टाइमर्स एंड टाइम आउट, तो ये खैर आप इसमें जो है कि खास बात नहीं है। तो इनिशियलाइज सी मैसेज न्यू मैसेज डॉट इवेंट स्केड्यूल सीम टाइम प्लस 5 एंड स्लैश मैसेज। ठीक है, अच्छा ये ठीक है, अच्छा ये इंशाल्लाह आप कल करेंगे, मंडे को करेंगे, तो इसको ज़रा देख लें। अब जो है ना, मैं करूँगा कि असाइनमेंट नंबर 1 पे अगर आपको कोई इसके अंदर इशू है, प्रॉब्लम है, तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो ये कोड है ट्रैफिक जनरेटर का। ठीक है, अच्छा जो सिमुलेटर होता है ना, इसमें हमें ट्रैफिक भी सिमुलेट करनी पड़ती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि जो ट्रैफिक है वो खुद ही जो है जनरेट होगी और आप उसको कुछ उसको प्रोसेस करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको ट्रैफिक जनरेटर भी बनाना पड़ता है, जिसको इवेंट जनरेटर कह लें। ठीक है, तो अगर आपने सर्टेन नंबर ऑफ इवेंट जनरेट करने हैं, दिस इज आल्सो काइंड ऑफ टर्मिनेटिंग कंडीशन। मे बी इसके ऊपर ये जो 1 मिलियन इवेंट्स एग्जीक्यूट करने हैं, जनरेट करने हैं, इससे पहले भी कोई टर्मिनेशन कंडीशन आ सकती है कि जी अगर आपके पास एक्यूरेसी जो है 70% हो जाए तो दैट्स इट। ओके, या सर्टेन क्वालिटी लेवल अचीव होता है। अच्छा जी, अब ये था लेक्चर नंबर 1, इसमें भी फास्ट प्रैक्टिकल करेंगे इंशाल्लाह, तो इससे इंट्रोड्यूस करवाना मेरा मकसद था। तो अभी आपको कोई अगर जो है कुछ क्वेश्चन करने हैं इस बारे में, असाइनमेंट नंबर 1 के बारे में, तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आई विल कॉल द डे ऑफ। चलें, मैं आपको कुछ फर्दर गाइड कर देता हूँ कि वीकेंड पे आप लोगों ने ग्रुप्स बनाने हैं। सेकंड CR आयशा जो हैं वो एक फॉर्म शेयर करेंगी, उसके मुताबिक आप अपने ग्रुप्स बना लें, अपनी अपनी स्किल्स को देखते हुए, अपना लेवल ऑफ कंफर्ट को देखते हुए, अपनी जो है फैमिलैरिटी है जो भी है, तो वो बना लें। मुझे वो संडे को सारे वो चाहिए। उसके अंदर आपने क्या करना है कि ग्रुप्स नाम लिखने हैं, ग्रुप 01, ठीक है, ग्रुप 02 एंड सो ऑन। अभी ये क्लास कितने की होगी, 40 की होगी शायद, 45, तो 45 इसके 15 ग्रुप्स बनेंगे। ठीक है, तो